दोस्तों, यदि आप जॉब कर रहे हो और आपकी सैलरी में से पीएफ कट रहा है, तो उसको कैसे देखे कि कितना कटा है, कितना टोटल है, कितना बैलेंस है अपने पीएफ अकाउंट में? तो दोस्तों, उसको देखने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें, ताकि आप भी जान सके अपना पीएफ बैलेंस में कितना टोटल है, कितना बैलेंस पड़ा है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है ईपीएफ पासबुक। ईपीएफ पासबुक सर्च करने के बाद यहाँ आपको इस तरह का पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा कि मेंबर पासबुक ईपीएफओ, तो उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर यूज़र नेम, तो यहाँ अपना यूएन नंबर टाइप कर देना है। यूएन नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर नीचे पासवर्ड डालना है, तो यहाँ पर हम पासवर्ड टाइप कर देते हैं। पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा का कोड टाइप करना है, तो यहाँ पर हम कैप्चा टाइप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जूम कर देना है और यहाँ पर उस पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइड में आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाए, यहाँ पर ओपन पे क्लिक करना है। यहाँ पर डाउनलोड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपका इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा, और यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो नेम, और यहाँ पर आपका जॉइनिंग कब से हुआ है, उस साल से लेके अभी तक कौन सा मंथ चल रहा है, उसका पूरा पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कर्मचारी शेयर, नियोक्ता शेयर, और यहाँ पर पेंशन अंशदान, मतलब पेंशन में कितने है। इस तरह से आप पूरा का पूरा देख सकते हो। यहाँ पर टोटल दिख रहा है और पेंशन का भी टोटल, तो उसको मिला के आपको देख लेना है कि कितना स्टेटस है, कितना मंथ पे कितना कटा है, वैसे देख सकते हो। तो बस सिंपल सा इतना ही करना है आपको। लॉग इन करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा, उसमें देख लेना है कितना पीएफ का बैलेंस है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।